बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। फिर से एक बार रमेश बिधूड़ी ने विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोरों शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने राजस्थान के टोंक सीट से रमेश बिधूड़ी को उतारा है, वही कांग्रेस ने भी इस सीट से सचिन पायलट को उतारा है। वही टोंक सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हमेशा से ही यहाँ सचिन पायलट और कांग्रेस का दबदबा रहा है। इसी टोंक में प्रचार करने पहुंचे रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए विवादित बयान दिया है। दरअसल बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी यहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने टोंक चुनाव का कनेक्शन सीधा पाकिस्तान से जोड़ दिया। बिधूड़ी ने अपने बयान में कहा कि टोंक चुनाव पर पूरे देश में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी नजर है, क्योंकि टोंक में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पीएफआई के लोगों को पनाह देते हैं। इसलिए टोंक की जनता को ये ध्यान रखना चाहिए कि जीत के लड्डू भारत में बटे, ना कि पाकिस्तान में। बिधूड़ी ने आगे कहा कि जब पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें खाना कौन खिलाता है? यहाँ टोंक में बैठे कुछ लोग हैं जो उन्हें खाना खिलाते हैं, इसलिए तो इस सीट पर लाहौर वालों की भी नजर है। अब तो ये जनता को तय करना है कि 25 नवंबर को जीत के लड्डू वो कहां बटते देखना चाहती है, भारत में या फिर लाहौर में। बिधूड़ी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि टोंक पर हमास जैसे आतंकवादी नजर गड़ाए बैठे हैं। यहाँ किसी विशेष समुदाय के लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो यहाँ की सरकार उसे नौकरी और 50 लाख रुपए देती है, लेकिन दूसरी तरफ कन्हैया कुमार जैसे कई बेकसूर मारे जाए तो उन्हें सिर्फ 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसलिए अब यह अस्मिता का सवाल बन चुका है कि जीत के लड्डू लाहौर में न बटे। वैसे ये पहली बार नहीं है जब रमेश बिधूड़ी ने ऐसा कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी संसद के विशेष सत्र के दौरान चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद कुंवर दानिश अली को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद सियासी बवाल मच गया। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी के बयान को गंभीरता से लेते हुए भविष्य में ऐसी बर्ताव की पुनरावृत्ति पर उन्हें कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिधूड़ी को तलब किया था।